नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। फतेहाबाद के भेड़िया खेड़ा महिला कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के समीप उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक संदूकों में भरा ट्रक अचानक पहुंच गया। आनंद भवन में डीसी और एसपी को इस मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद एसपी और डीसी मौके पर पहुंचे और ट्रक से संबंधित जानकारी जुटाई। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें मतगणना केंद्र से सूचना मिली थी कि एक संदूकों से भरा एक ट्रक वहां पहुंचा है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और ट्रक से संबंधित जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि उक्त ट्रक टोहाना सहायक निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों पर तहसीलदार की देखरेख में टोहाना से लाया गया था और इन संदूकों में मतगणना उपरांत ईवीएम मशीनों को रखा जाना था। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना हो, इसके लिए उन्होंने संदूकों को वापस भिजवा दिया है। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जब हम लोग थे तो यहाँ से एक जबरदस्ती एक ट्रक था जिसके ऊपर खाली पेटियां थी। वो खाली थी या भरी हुई थी, क्योंकि हमने उनको पूछा रोके क्या है इसमें, तो उन्होंने कहा कि खाली पेटियां हैं। हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कहा, हमने कहा कि ये खाली पेटियां अभी जब जहां पे सील हो चुका है, सब कुछ बंद हो चुका है, तो आप जबरदस्ती इसके अंदर किस कैंपस के अंदर क्यों गुजार रहे हैं उसको। वो कह रहे जी हम इसको यहां पे स्ट्रॉन्ग रूम में रखेंगे। तो हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम जब सील हो चुका है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग रूम में रखने की नौबत क्यों है। इसको जो खाली है, खाली जो लघु सचिवालय में जो जगह बनी हुई है वहां पे आप इसको बंद करिए। तो तुरंत बाद में वहां पे तहसीलदार साहब भी आए, उसके बाद डीसी साहब भी आए, एसपी साहब भी आए। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ये जो ट्रक है इसको लघु सचिवालय भेजा जाए और वहां ये मशीनें अपनी जो खाली है पेटियां है वहां रखी जाए। देखिए, हमारे भी जो वहाँ पर सीआईएसएफ की टीम लगी हुई है, उन्होंने बताया कि एक ट्रक आया है जिसमें कि कुछ संदूक हैं और जिसको कि उतारने के लिए कहा जा रहा है। तो वहाँ पर तहसीलदार भी हैं, वहाँ पर टोहाना से आया है। तो इस बारे में तुरंत जैसे ही हमको सूचना मिली तो मैं और एसपी साहब वहाँ पर गए और वहाँ मौके पे हमने देखा कि जो मत पेट जो आपकी ईवीएम होती है उसको रखने के लिए संदूक हैं बेसिकली, और इन संदूकों को इलेक्शन के समय जब ईवीएम की काउंटिंग हो जाती है तो इसमें वापस जो ईवीएम है वो रखी जाएंगी। और इसका उद्देश्य यही है कि जो काउंटिंग के बाद जितना भी शिफ्टिंग करनी होती है उसके लिए खाली संदूक ये ट्रांसपोर्ट किए गए थे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और इसी प्रकार का कोई भी ईवीएम अनयूज्ड या यूज्ड कोई भी नहीं है, जिसकी की संतुष्टि हमने वहाँ पर मौजूद पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे करवा दी थी। मीडिया में कुछ एक रूमर चल रहा था कि कुछ तरह का संदिग्ध ईवीएम या कुछ रखी जा रही है वहाँ पर, तो मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ ताकि किसी प्रकार की भ्रमक प्रचार ना हो सके और इस बात में किसी प्रकार की और सिचुएशन ना क्रिएट हो।